वेलकम फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल नागालैंड जीनियस इलेक्ट्रॉनिक। दोस्तों आज आपको हम साक्षी कंपनी की पीसीबी बोर्ड के बारे में बात करेंगे जो कि स्टेबलाइजर का है और ये 90 वोल्ट से लेकर 300 वोल्ट में इसको वर्क करा सकते हैं। तो इसमें क्या क्या मिलता है इसके बारे में सबसे पहले समझेंगे। इसमें आपको फ्री एलईडी है, देख सकते हैं यहाँ पे, और ये हाई क्वालिटी एसएमडी कंपोनेंट से बना है, ठीक है, और माइक्रो कंट्रोलर बेस्ड है ये, ठीक है। इसके अंदर दोस्तों देख सकते हैं आप, ये एलईडी ऑपरेटिंग है, सिंगल सेटिंग आप एक मतलब इनकी एक प्रीसेट में आप सेट कर सकते हैं। इजी टू इंस्टॉलेशन है, ये हाई कट एंड लो कट भी है इसमें, यानी कि इसमें हाई कट करा सकते हैं और वोल्टेज कम होने पर भी इसको कट करा सकते हैं। टाइमर है एंड हाई कट्स में टाइम डिले है, यानी कि TDR है, तो आपको इसका डिले अपने हिसाब से आप सेट कर सकते हैं इसमें। दोस्तों आप इसके पैकेट को खोलते हैं हम लोग, दोस्तों इसकी पैकेट हम लोग खोले हैं, देख सकते हैं यहाँ पे, और पैकेट से ये पीसीबी बोर्ड निकला है और इसमें आप देख सकते हैं इसमें एलईडी फ्री है। यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे एलईडी बल्ब है, ये फ्री है। इसमें आपका है एक सेटिंग का है, एक डिले सेटिंग का है, इसमें अपने हिसाब से डिले सेटिंग कर सकते हैं। और ये देख सकते हैं एमएसएमडी कंपोनेंट से ये बना है, देख सकते हैं आप। तो दोस्तों इसकी वर्किंग प्रिंसिपल क्या है इसके बारे में बात करेंगे और इसके सर्किट डायग्राम के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। दोस्तों अब चलते हैं कंप्यूटर के स्क्रीन पे। दोस्तों आप देख सकते हैं इसका व्यू ऐसा है साक्षी कंपनी का, और दोस्तों इसमें एसएमडी कंपोनेंट आप देखने को आपको मिल जाएंगे। दोस्तों इसकी जो आईसी की डिटेल्स क्या है इसके बारे में समझेंगे और इसकी जो रिले कनेक्शन क्या है इसके बारे में हम लोग समझेंगे। दोस्तों हम लोग सबसे पहले चलते हैं इसकी डिटेल की तरफ। तो डिटेल्स में आप देख सकते हैं यह है इसकी सर्किट डायग्राम। तो सर्किट डायग्राम में देख सकते हैं यहाँ पे ब्रिज रेक्टिफायर यहाँ लगा हुआ है जो कि इनबिल्ट ये ब्रिज रेक्टिफायर है, यानी कि आप यहाँ पे एलटी सप्लाई इनपुट करेंगे, ठीक है, दो आप इनपुट करेंगे लूप इसकी, तो यहाँ पे डीसी में कन्वर्ट होकर आपको आउटपुट मिल जाएगा और यहाँ पे आपको करीब 22 वोल्ट 23 वोल्ट आपको डीसी देखने को मिल जाएंगे और यहाँ पे वोल्टेज कम करके 12 वोल्ट देख सकते हैं वोल्टेज को स्टेप डाउन करके, और आईसी के पिन नंबर 1 में सप्लाई दी गई है, देख सकते हैं आप, और जीनर से डायोड से जो कॉन्स्टेंट वोल्टेज यहाँ पर बनाया गया है। अब दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं एक सप्लाई अलग से बनाया गया है जो कि इसकी एलटीवी सप्लाई में कितनी वोल्टेज है वो वोल्टेज को चेंज करने के लिए एक सप्लाई अलग से लगाया गया है, देख सकते हैं आप, और यहाँ पे प्रीसेट्स के द्वारा यहाँ पे सेटिंग की जाती है। दोस्तों ये सप्लाई अगर नहीं आएगी तो ये आपका सिस्टम पूरा वर्क नहीं करेगा, ये सप्लाई मस्ट है, ठीक है। तो यहाँ सप्लाई जाएगी और देख सकते हैं पिन नंबर 3 में ये सप्लाई जाएगी और यहाँ पर आपको जो कि सेटिंग करके आप AVR को सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे चली गई सप्लाई और यहाँ पे देख सकते हैं एक सप्लाई और पिन नंबर 4 में गई है और ये प्रीसेट के द्वारा। दोस्तों ये टाइमर सेट करने के लिए है, यहाँ पे टाइमर सेटअप करेंगे, यानी कि अगर आपको 1 सेकंड से लेके आपको जो है 4 मिनट की आपको यहाँ पे सेटअप करने को मिल जाएंगे, तो इसे आप सेट कर सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं LC यानी कि लो कट यहाँ पर सेट कर सकते हैं, एक ग्राउंड है देख सकते हैं ग्राउंड, और यहाँ पे जो सप्लाई आ रही है पिन नंबर 3 पे इसको डायरेक्ट करेंगे तो ये आपका लो कट सेट हो जाएगी, यानी कि 180 के नीचे जब सप्लाई जाएगी तो ये ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे सप्लाई देख सकते हैं एक सप्लाई आपका है मेंस के लिए LED के लिए और एक है आपका कट के लिए, इसके सेंटर में ग्राउंड दी गई है, लेकिन दोस्तों ग्राउंड भी 1K रेजिस्टेंस के द्वारा दी गई है, ठीक है, कि बीच में दे दिया गया रेजिस्टेंस जो कि दोनों LED आपका काम करेगा। और दोस्तों इसके साथ में आपको LED फ्री मिलेंगे, 2 कलर के LED आपको फ्री मिल जाएंगे। अब दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं जो रिले के लिए सप्लाई निकली हुई है, देख सकते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे 7-8वां पिन है ये और ये आपकी BD139 को ये ड्राइव करती है और रिले 4 में आपको सप्लाई चलाता है। दोस्तों रिले 4 जो है ये आपका टाइमर वाले हाई कट और टाइमर लो कट में ये काम करता है रिले, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं 7 के बाद में यहाँ पे 8, ये 9 है, 9 आपका आउटपुट रिले में काम करेगा ये,
टू आपका जो कि इनपुट टू में काम करेगा और रिले वन इनपुट वन में काम करेगा। और उसके बाद कॉमन देखते हैं, यहाँ पे कॉमन है, कॉमन आपका सभी में जुड़ जाएंगे एक एक में। उसके बाद में देख सकते हैं रिले वन, ये कॉमन हो गया, रिले वन यहाँ पे कनेक्शन होगा, रिले टू इसमें सेकेंड में कनेक्शन होगा, रिले थ्री थर्ड में, और रिले फोर आपका फोर्थ में कनेक्शन होगा। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे हम लोग रिले कनेक्शन समझ लेते हैं जो कि लूप से है। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं ये न्यूट्रल है और 90 वोल्ट का जो है यहाँ पे टेपिंग ले गया है 137 वोल्ट में। 90 वोल्ट जो होता है वो मिनिमम वोल्ट होता है, 137 वोल्ट जो होता है वो मैक्सिमम वोल्ट होता है। 137 वोल्ट यहाँ पे हम लोग लेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये आपका फर्स्ट रिले है, सेकेंड रिले में आपको लेना होगा यहाँ पे 137 वोल्ट और यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे 200 वोल्ट। यहाँ पे ऐसे भी दोस्तों कह सकते हैं 90 वोल्ट और यहाँ पे 140 वोल्ट आपको एक साथ में लगा देनी है। ठीक है, ये 90 वोल्ट का टेपिंग है यानी 137 वोल्ट का, यहाँ पे 200 वोल्ट का आपको मिल जाएंगे। सेकेंड थर्ड रिले में आपको है कि आपको 200 वोल्ट ये 170 वोल्ट यहाँ पर लग गया, तो 170 दोस्तों यहाँ पे क्या सप्लाई है 240 वोल्ट है और यहाँ पे 200 वोल्ट का जो टेपिंग रहेगा मैक्सिमम वोल्टेज 290 वोल्ट में ये काम करेगा। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे दो रिले कनेक्शन आपको कर लिए। अब रहेगा इनपुट वाला, इनपुट वाला में दोस्तों देख सकते हैं फेज यहाँ पे इनपुट होगा और फेज आपका जो कि 90 वोल्ट में ये हीट करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे डायरेक्टली यहाँ पे हीट करते हैं। तो इस दोस्तों इसमें क्या है आपका एक रिले जो फर्स्ट लगा हुआ है इसकी जो एनओ है, एनओ से आपका आउटपुट का जो रिले है 290 वोल्ट में यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा। यानी दोस्तों यहाँ पे दो लूप बन जाएंगे एक लूप में, एक चला जाएगा पहले रिले के एनओ में और तीसरा रिले में आपका एनसी में चला जाएगा। और यहाँ पे रिले देख सकते हैं ये हाई कट का रिले है, डीले का रिले है, तीसरा कनेक्शन कर सकते हैं। दोस्तों मेरे सर्किट जो डायग्राम बनाई है अगर इसमें कोई कंपोनेंट ख़राब हो जाएगी तो इसको देख के आप यहाँ पे रिपेयर कर सकते हैं, कोई कंपोनेंट लगा सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं सभी जो सर्किट में आईसी रेजिस्टेंस डायोड जो भी है सब एसएमडी है, तो आप एसएमडी यहाँ पे आ सकते हैं। दोस्तों अगर एसएमडी आपको डायोड नहीं है मिल रहा है तो आप नॉर्मल भी आप डायोड यहाँ पे लगा सकते हैं। तो दोस्तों दो प्रीसेट देख सकते हैं यहाँ पे, एक आपका जो है कि सेटिंग के लिए है, एक आपका टाइमर के लिए है। और यहाँ पे जीरो डायोड 12 वोल्ट का देख सकते हैं, यहाँ पे दो कैपेसिटर रहेंगे इसमें, एक कैपेसिटर आपका देख सकते हैं ठीक आउटपुट में है और जीरो डायोड के बाद में आपको एक यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पे आपको 100 में आपका जो कि 25 वोल्ट रहेगा ये। ठीक है, तो इसकी ये सर्किट डायग्राम था रहा, इसे आप जो कि सर्किट को भी रिपेयर कर सकते हैं, रिले कनेक्शन भी आप मिस करा सकते हैं। ठीक है, अब दोस्तों इसको हम लोग स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, इसकी ये सर्किट डायग्राम है देख सकते हैं यहाँ पे, तो इसको देख के आप इजीली रिपेयर कर सकते हैं। दोस्तों मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा, अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना भूलें। दोस्तों आज के लिए इतना ही, जय हिंद जय भारत।